आई थिंक वो पाकिस्तान को फेवर करती है, क्योंकि ये एडिलेड की ड्राई कंडीशंस नहीं है जहां पर बॉल हिला नहीं और बटलर या हेल्स ने टांग रखी और जहां दिल किया मार दिया। बहुत ज्यादा ठंड है इस वक्त, मतलब अचानक से फिर से ठंड हो गई, बरसात आपने देखी है, मैच की सुबह मैच की दोपहर तेज बरसात है, अब ये नहीं पता कि शाम को बरसात होगी, कंडीशंस कैसी होंगी। जब इस तरह का ओवरकास्ट हो, ठंड हो, मुझे लगता है कि बॉल थोड़ा हिलेगा, और बॉल अगर हिलेगा तो फिर इतना आसान नहीं होगा कि बटलर ने यहाँ से रखा यहाँ मार दिया, वहां से रखा वहां मार दिया। एडिलेड में भी हमें ये लग रहा था कि टीम इंडिया को ये मैदान पसंद है और वहां की कंडीशंस में खेलने के हम मतलब अच्छी परफॉर्म करती है टीम, ये है वो है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं राशिका, वहां पे क्योंकि गर्मी थी, ड्राई कंडीशंस थे, जहां पर गर्मी होगी ड्राई कंडीशंस होगी, बॉल ना स्विंग नहीं आता, और जब इस तरह का होगा कि बॉल हिलेगा नहीं नया बॉल, तो आप टांग रख के कहीं मार सकते हो। बट मेलबर्न में जैसे मैंने कहा, एक तो ये ड्रॉपिंग पिच है, सेकंडली जो मौसम है ओवरकास्ट है, नमी रहेगी, तो यहां पर बॉल आप देखेंगे हिलेगा। ये वही मैदान है बाय द वे जहां पर आयरलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया, बट द पॉइंट इज कि इंग्लैंड के पास बिग मैच तजुर्बा ज्यादा है। मैं तो मैथ्यू हेडन की बात कर रहा था, मैथ्यू हेडन ने जो बात बोली है वो गलत नहीं बोला, उन्होंने गलत नहीं बोला कि अगर उनके पास बैटिंग है तो हमारे पास बॉलिंग बुला दी इन लोगों ने। हाँ, तो उनके पास छह के छह जो बॉलर है वो विकेट टेकिंग बॉलर है, जहां पर आपके पास चार अच्छे फास्ट बॉलर हो या आपके पास दो स्पिनर्स हो जो कि विकेट टेकिंग हो, तो किसी भी बैटिंग डेप्थ वाली टीम के लिए आसान नहीं होगा। हाँ, बिग मैच एक्सपीरियंस जरूर है इंग्लैंड के पास, बट पाकिस्तान भी तो जबरदस्त क्रिकेट खेल के आया है। हाँ, आप कह दो जी किस्मत थी, नेदरलैंड्स ने उसको हरा दिया, उसने हरा दिया, सेमीफाइनल तो जीता ना पाकिस्तान, अच्छा खेल के जीता। और अब मौके पर सर उनका जो एक कंसर्न था कि ऊपर से भी रन नहीं आ रहे थे और हमने मिडिल ऑर्डर में भी उनको तड़पते हुए देखा था, लेकिन अब तो दोनों ही डिपार्टमेंट, अब मिडिल ऑर्डर भी चलने लग गया, ओपनर भी चलने लग गए, अब तो अपने आप को एकदम इम्प्रोवाइज कर दिया सर उन्होंने आखिर में आते आते। बॉलिंग थी अच्छी, बॉलिंग थी आपके पास। हाँ, तो नितिन, लेकिन फिर यही तो फिर वही है ना, आप देखिए आप टीम कैसी भी हो, आप 1983 में इंडिया की टीम तो नहीं थी ना, कमजोर ही थी ना, फाइनल में पहुंच गई थी तो अच्छा क्रिकेट खेल के पहुंची थी, सब कुछ चलना शुरू हो जाता है। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि अगर आप पाकिस्तान की आप बात करते हैं, इनके ना ओपनर्स तो आई थिंक 150-160 रन शूट करते हैं, इट अलाउज देम द टाइम, टेक्निकली तो चलो।